प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के बीकानेर में पहुंचे और भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब भाजपा तो विकास कार्य है और लोगों को जल जैसी सुविधा देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं दे रही है। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा तो विकास करवाना चाहती है, लेकिन यहां राजस्थान में कांग्रेस विकास की योजना आते ही पंजा मार लेती है। तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले चार वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की भाजपा सरकार की योजना से भी अब कांग्रेस सरकार को परेशानी है। जिस राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप पर होना चाहिए था, वो सबसे धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। आज देश के साथियों, गलती राजस्थान के लोगों की नहीं, गलती यहां की कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार ने चार सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान की मिठाई और नमकीन का भी जिक्र किया। मौके पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलाब के फूल देकर जोरदार स्वागत किया और जहां पर यहां की नमकीन और भुजिया का स्वाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मेरे लिए शहर इसलिए भी खास है क्योंकि बीकानेर को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। यहां काशी की ही तरह गौरवशाली अतीत भी है और अध्यात्म भी है। और जैसे अभी हमारे बीकानेर के सांसद मेघवाल जी नव रंग की बात करते थे, इस नव रंग को चमकाने के लिए इस शुभ अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसका फ्लैश चालू कीजिए और इस नव रंग का प्रकाश लोगों को पहुंचाइए। हर किसी के मोबाइल फोन का फ्लैश चालू कीजिए, हर एक के मोबाइल का फ्लैश चालू करिए, बोलिए भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी उनके हृदय से आभारी हैं और ऐसा ही अंत में प्रधानमंत्री ने सभी के सामने हाथ जोड़कर कार्यक्रम समाप्ति के बाद विदाई ली। प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक कृपया अपने जगह पर रहें, अपनी जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चार साल में कांग्रेस ने राजस्थान का बुरा हाल कर दिया है और यहां पर खुलेआम लूट मची हुई है। सभी नेता लूटने पर लगे हुए हैं, इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा है और यहां पर जनता अब बहुत जल्द डबल इंजन की सरकार बनाने के प्रति भी दिलचस्पी लेने वाली है। राजेश खत्री, बीकानेर, राजस्थान।